इट्स 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम टीवी गपशप में। भाई जानते हैं, आपकी टीवी गपशप लेकर मैं आप सभी के साथ आ गई हूँ तमाम गपशप बातें करने के लिए, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार टीवी टाउन में क्या कुछ चल रहा है, ऐसा कौन सा फेवरेट आप सभी का सीरियल है जो इन दिनों कॉन्ट्रोवर्सीज कहें या फिर गॉसिप का कारण बना हुआ है। बता दें आपको कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल जो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होते हैं। जी जनाब, बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेपनाह को लेकर। बेपनाह जो इन दिनों काफी ज्यादा ही खबरों में छाया हुआ है, मानो दर्शक जो हैं, फैंस जो हैं, वो इस सीरियल की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि कहानी में अब अगला ट्विस्ट क्या होगा, कहानी में अब क्या कुछ दिखेगा। फिलहाल अगर आपको करंट ट्रैक की बात की जाए तो करंट ट्रैक में आपने देखा किस तरह से जोया और आदित्य जो जेल में थे उनको मिस्टर हुडा ने बाहर छुड़ा लिया है, मगर जेल के पीछे की जो उनकी जर्नी दिखाई गई है 2-3 रातों की, वो काफी ही ज्यादा दिलचस्प दिखाई गई। यहाँ पे देखा गया किस तरह से जोया और आदित्य के बीच की ये जो बढ़ती जो मतलब नजदीकियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब भी आ रहे हैं। जहां पर देखा किस तरह से जब आदि को मार पड़ी तो जोया को काफी दुख लगा, और जोया को जब मार पड़ रही थी तो आदि काफी ज्यादा भी परेशान दिखा। जिस तरह से यहाँ पर मिस्टर हुडा ने तो उनको काफी ही अच्छे तरीके से पूरी कहानी को मैनिपुलेट कर दिया है, जब उन्होंने जज के सामने दिखाया किस तरह से जोया और आदित्य बेकसूर है, तो उन्होंने पूरी कहानी को ही चेंज कर दिया। यहाँ पर उन्होंने सारा इल्जाम जो है वो यश पे लगा दिया और बेहद ही शानदार तरीके से उन्होंने जोया और आदित्य को बाहर निकाल लिया। अब हम आपको बताने वाले हैं, आप जो रिपोर्ट्स में देखेंगे, कहा जा रहा है कि जिस तरह से आने वाले ट्रैक में जोया को राजवीर किडनैप कर लेगा तो इस कहानी में लीप आ जाएगा, जिसमें लीप के चलते जोया और आदित्य की बच्चे की एंट्री होगी जो कहानी के शो को पूरा बदल देगी। और जहां पर क्या कुछ नया होगा, इंटरेस्टेड होगा, देखिए ना हमारे इस रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल आप सभी के मोस्ट अवेटेड और फेवरेट सीरियल बेपनाह की कहानी को लेकर हम सभी हाजिर हैं। आपको बता दें, आप हर बार इस प्रोग्राम में जानते हैं कि आखिरकार आने वाले ट्रैक में आपको क्या कुछ नया और दिलचस्प दिखेगा। बेपनाह की जो कहानी है वो अपने आप में बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है, जो फैंस जो है इसकी और अपने आप ही खिंचे भी चले आ रहे हैं। फैंस की जो दीवानगी है इस सीरियल को लेकर वो आए दिन बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। अगर इस सीरियल के करंट ट्रैक की बात की जाए तो करंट ट्रैक में जिस तरह से जोया और आदित्य जो हैं वो जेल की कुछ रातें गुजार कर आए हैं, मगर फाइनली कहीं ना कहीं उनकी ये जेल की रातों का जो सिलसिला है वो मिस्टर हुडा ने खत्म कर दिया, जहाँ पर आदित्य के पिता यानी मिस्टर हुडा ने उनके केस को लिया था और साथ ही साथ उन्होंने जोया को भी अपने केस में इन्वॉल्व किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं जोया का केस भी लड़ूंगा क्योंकि जोया और आदित्य का केस एक ही है। मगर कहीं ना कहीं कहानी में जो ट्विस्ट आया था वो ये था कि जिस तरह से मिस्टर हुडा जो है बीच में वो जोया को ही फंसा रहे थे, मगर यहाँ पर देखा गया कि आदित्य ने मिस्टर हुडा के सामने ही शर्त रखी और वो ये थी, या तो आपको जोया को बचाना होगा या फिर हम दोनों को ही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सुबह जज के सामने सारी चीजों को खुद से स्वीकार लूंगा कि मैंने ही यश और पूजा की हत्या की है। जिसके बाद मिस्टर हुडा काफी ज्यादा जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं कि किस तरह से आदित्य जो है जोया की ओर खींचे चले जा रहे हैं। मगर फाइनली मिस्टर हुडा काफी ज्यादा ही मैनिपुलेट कर देते हैं स्टोरी को, जिसमें ये पता चलता है कि यश और पूजा की हत्या नहीं की गई थी, यश ने खुद से ही जाकर सुसाइड किया था और इसके चलते
पूजा भी इनके पूरे शिकंजे में आ गई, जहां पर इस कहानी में काफी बड़ा चेंज आया। जोया और आदित्य तो बाहर निकल आए, मगर सारा का सारा कहानी को जो मैनिपुलेट किया गया था उसमें सारा का सारा ब्लेम यश पे लगा दिया जाता है कि यश जो थे वो एक बेहतर इंसान नहीं थे। यश को नहीं पता था किस तरह से अपनी फैमिली को चलाना है, किस तरह से उनको बिजनेस को चलाना है, जिसको लेकर यश को ही मिस्टर हुडा ने गलत साबित भी किया। वहीं आपको बता दे, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरह से अब ये दोनों जो बाहर आ गए हैं, मगर जोया इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अपसेट है कि आखिरकार कोर्ट में खाली यश को ही क्यों बदनाम किया गया, और मतलब यश को बदनाम करने का क्या मकसद था, जिसको लेकर वो आदित्य के पास भी जाएंगी। और साथ ही साथ जहां पर ईद का मौका है तो दिखाया जाएगा किस तरह से जो है जोया जो है ईद सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुट जाएंगी, और वहां पर मिस्टर हुडा की फैमिली भी आ जाएगी, जिसको लेकर हर कोई यहां पर ईद का जश्न मनाते हुए नजर आएगा। मगर अचानक से कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस ईद की सेलिब्रेशन में जोया गायब हो जाएगी, राजवीर उन्हें किडनैप कर लेंगे। जी हाँ, क्योंकि राजवीर जब से ये केस हारे हैं तब से राजवीर के मन में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मतलब राजवीर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं, जिसको लेकर उनके मन में एक बदले की भावना भी देखने को मिली। वहीं कहा जा रहा है कि जहां पर जोया को किडनैप कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस सीरियल में लीप आने वाला है, जिसको लेकर जोया और आदित्य के बच्चे की एंट्री होगी, क्योंकि इनकी नजदीकियां जो है वो बेहद ही और नजदीक होते जाएंगे, जिसके चलते जोया और आदित्य के बीच का जो प्यार का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उनके बच्चे की एंट्री की जाएगी, जहां से पूरी कहानी को बदल दिया जाएगा। और आखिरकार ये जो अभी यश और पूजा का कत्ल किसने किया है, ये जो ट्विस्ट बना बैठा है, उसको जानने के लिए अभी इसका सामना कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। मतलब यानी कोई भी जो है अभी ये चीज पे सामने नहीं आ पाएगा कि आखिरकार यश और पूजा के साथ उस रात को क्या हुआ था। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो अभी बने हुए ही दिखाई देगा। जहां पर ये किडनैप होगी, कहा जा रहा है कि कहानी में लीप आने वाला है, जिसको लेकर जोया और आदित्य के बच्चे की एंट्री करवाई जाएगी, जिसके बाद जोया और आदित्य एक हैप्पीली मैरिड कपल की तरह अपने जीवन को जी रहे होंगे। मगर कहानी में ट्विस्ट उसके बाद आएगा, किसने आखिरकार यश और पूजा की हत्या की थी। ये जो सवाल है आने वाले दिनों में उससे भी तमाम चेहरों से नकाब हटेगा कि आखिरकार इस सीरियल का मेन विलन कौन है, जिसको लेकर काफी ज्यादा ही तरह तरह की एक्साइटमेंट बनी हुई है। सो वेल, आपने फाइनली देख लिया, हम जो गपशप आपके लिए लेकर आए हैं, उस गपशप में बहुत गपशप हमने आज की, और आपको बेहद ही ज्यादा गपशप वाले प्रोग्राम में हमने आपसे सीरियल को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया, तमाम चीजों का यहाँ पे हमने जिक्र किया। साथ ही साथ आपने जाना आखिरकार जहां पर अगर आज के टेलीकास्ट की बात की जाए, जो आप सभी देखेंगे किस तरह से जोया और आदित्य के घर में अब ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आपने जाना किस तरह से ईद की तैयारियों में मिस्टर हुडा की फैमिली भी पूरी यहां पर जोया के घर में आती है, तो अचानक से ही यहां पर जोया गायब हो जाती है, जो कहानी का काफी बड़ा चेंज है, काफी बड़ा ट्विस्ट भी है इस कहानी में। मगर आपको बता दें, जहां पर राजवीर उसे किडनैप कर लेगा, किडनैप के बाद जोया काफी परेशान होगी और आदि के मन में जोया के लिए और प्यार पैदा होगा, ये नजदीकियां जो हैं वो काफी ज्यादा ही नजदीक आ जाएंगे, जिसके चलते कहा जा रहा है कि कहानी में एक बेहद ही बड़ा लीप आएगा, जिसके बाद जोया और आदित्य की बच्चे की एंट्री भी होगी। खैर, वो बच्चा कौन होगा ये आने वाले दिनों में हम आपको बता ही देंगे। किस तरह से कहानी में काफी चेंज आएगा ये भी आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर अगर आप अपने किसी भी फेवरेट सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉमेंट
कमेंट बॉक्स पे जाकर अपने फेवरेट सीरियल के नाम को लिखें, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आने वाले ट्रैक में आप सभी के फेवरेट सीरियल में क्या कुछ होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं तो चली मगर आपको बी टाउन हो या फिर टीवी टाउन, तमाम अपडेट सिर्फ आपको नेक्स्ट नाइन न्यूज में ही मिलेंगी। टाटा।